नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जून है और 18 जून मतलब मानसून। आप समझिए कि हमारे यहाँ अभी तक तो नहीं आया है, बस ये है कि आने वाला है। और इस समय जो है ना, सुबह सुबह का टाइम है। ये देखिए अभी मॉस रोज है ना, छोटे छोटे से भी ये खिलना शुरू हो रहे हैं। ये अभी मतलब ये है तो डबल पेटल वाले, ये वाले जो सिंगल पेटल वाले हैं वो तो धीरे धीरे करके सोकर उठ गए हैं। ये देखिए, तो आज ना मैं आपको जो वीडियो मतलब शेयर कर रही हूँ, पहले मैं सोच रही थी पता नहीं कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, कोई देखेगा कि नहीं, किसी को पसंद आएगा कि नहीं। फिर मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं मेरी मतलब मेरी गार्डनिंग के तरीके को, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। दूसरा चीज़, एक चीज़ ये भी है कि जैसे कई बार ना पूछते भी हैं कि आप मैम कैसे अपना अकेले जैसे ये सारा कुछ कर लेते हो, तो चलिए बस आपको बताती हूँ। सफाई का ही वीडियो है एक्चुअली। मानसून देखिए आने वाला है ना, तो उसके पहले मैं अपने ना पूरे जो टेरेस है मतलब यहाँ छत की अच्छे से पूरा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो डीप क्लीनिंग में क्या है ना, सारा गमले वमले हटा करके और वो पूरा मतलब सब पूरा अच्छे से मिट्टी विट्टी सब हटा के, जितना भी प्लांट व्लांट कोई सूखा है या फिर ना जैसे ये देखिए घास वास निकल आती है कुछ, तो यही सारा कुछ कर रही हूँ। सब एक एक गमला हटा हटा के कर रही हूँ। तो यहाँ छत की कर रही हूँ, इसके बाद मतलब जो है ना कर ये मैं रही हूँ करीब, मुझे आज तीसरा दिन हो गया है। छत मेरी बड़ी है और तीसरा दिन हो गया आज, मतलब छत वाला मेरा काम हो जाएगा। और ये देखिए ये इतना जो है ये अच्छा, ये वजन हो गया है। वजन इसलिए क्योंकि मैंने जैसे जब कल किया ना, कल इसको सफाई फेंक करी तो ये कचरा पूरा गार्डन का कचरा था वो पूरा भर गया इसमें, मतलब भरा क्या यहाँ तक हुआ। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया कि जैसे धूल मिट्टी है ना जैसे अब ये सब है, तो हल्का सा पानी डाल दिया इसमें भर के। अब ये सारा कूड़ा उठा के इसमें डालूंगी और कि उड़े भी नहीं, और दूसरा मॉइस्चर बना रहेगा, खाद तैयार हो जाएगी। अभी ये पूरा मतलब थोड़ा भर जाएगा, फिर इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल के छोड़ दूंगी। और दिखाती हूँ आपको, ये वाला जो गमला है, ये वाला गमला क्या बल्कि बहुत सारे ऐसे गमले हैं जो बड़े बड़े गमले होते हैं परमानेंट प्लांट में लगाती हूँ, तो उनमें मैं यही करती हूँ पूरा इतना इतना भर देती हूँ यही सब, उसके ऊपर मिट्टी के लेयर लगा के उसको छोड़ देती हूँ। मॉइस्चर वॉइस्चर बना के रखती हूँ, कुछ टाइम बाद वो खाद बन जाता है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, ये देखिए दो ए वन और ये टू, ये दो हिबिस्कस हैं गुड़हल, और एक लाल है और एक सफ़ेद है। अभी बस मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मुश्किल से शायद 10 दिन हुआ होगा, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है। मैंने लगाया और ये लग भी गया है। तो देखिए अब जैसे ये वाला ग्रो बैग है ना, ये इसमें भी यही चीज़ है, इसमें भी पूरा बहुत सारा, इसमें तो बहुत भर अंदर तक नीचे काफ़ी सारा है। तो इसी तरीके से करती हूँ मैं, ये वाला जो गुड़हल लगा है पॉलीथिन में, सब में मतलब इसी तरीके से है। तो बस आपको मैं बताने का मकसद ये था। हाँ दोस्तों, लेकिन ना जैसे गुलाब है या ये जो हो गया अडेनियम, अडेनियम ये सब मैं नहीं लगाती हूँ उस पर, तो सफाई इस टाइम ज़रूरी हो गया है करना, क्योंकि मानसून आएगा तो फिर पूरा घर भी मतलब छत भी गंदी गंदी तो कभी भी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ना अगर हम मानसून आने के पहले अपने गार्डन को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे बिल्कुल पूरे, तो डीप क्लीनिंग एक तरह से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल कहीं भी पानी नहीं भरेगा। और ये देखिए ये वाला जो मेरा मोगरा है, इसी में मैंने खाद डाली थी, अभी इसका वीडियो भी शेयर किया था, इसमें बहुत फूल निकल रहा है, बहुत निकल रहा है। ये देखिए बिल्कुल सड़ा हुआ प्लांट हो गया था। तो छत की तो बिल्कुल मैंने अच्छे से पूरा क्लीन करके सब गमले वमले हटा कर दिया है। अब मुझे बालकनी वाले पोर्शन की करनी है, मतलब मुझे फर्स्ट फ्लोर का करना है और ग्राउंड फ्लोर का करना है। ग्राउंड फ्लोर पे कल क्या हुआ, मेरे यहाँ वैसे बंदर आता नहीं है, बहुत ही कम आता है, तो कल जो है आएगा तो भाई बंदर कुछ ना कुछ तो नुकसान करके जाएगा, तो ज़्यादा नहीं किया, बहुत थोड़ा सा किया। वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा प्लांट जो है उखाड़ दिए, तो वहाँ करूँगी मैं। वो ग्राउंड फ्लोर की सफाई तो वैसे भी रेगुलर उसमें होती है, हाँ जो है फर्स्ट फ्लोर की मैं 2-3 दिन में छोड़ के करती हूँ, और बाकी छत की रहती है, छत का जो है छत पे मतलब 15 दिन में कोशिश रहती है, कोशिश तो और जल्दी रहती है कि वीक पे एक बार यहाँ पे अच्छे से सफाई कर दूँ, पर कई बार टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस यही है, और यहाँ को अच्छे से सफाई वफाई करने के बाद
देखिए एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जैसे इस टाइप के कोई पॉट वॉट हो आपके पास तो उसको इस तरीके से सीधा मत रखिए, उसको पलट के रखिए जिसमें बरसात का पानी कानी इकट्ठा ना हो। टूटी फूटी बाल्टियाँ वाल्टियाँ सब हटा दीजिए, कबाड़ा कूड़ा कबाड़ा अंड बंड जो प्लास्टिक का रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिवाली पर ही सफाई करनी चाहिए, सफाई हमको करते रहनी चाहिए। छत पर जो है इस पर बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो अभी इस पर पानी यानी कहीं भरेगा तो मच्छर भी जो है वो चिकनगुनिया डेंगू सब का टाइम आने वाला है। ये देखिए अभी सोचेंगे क्या दिखा रही हूँ मैं, सुसु पॉटी दिखा रही हूँ। बंदर महाराज यहाँ पूरा, अभी मुझे कल मतलब पूरा यहाँ सफाई करनी है, पूरा खूब गंदगी मचा के गए हैं। तो बस यहीं पे सफाई करना मुझे यहाँ पे मतलब फर्स्ट फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और वही है कि मतलब ये है कि हो भी जाएगी सफाई। और बाकी यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे तो जैसे करती रहती हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे तो वैसे ही डेली वाली जो सफाई होती है तो वो तो होता रहता है, बस ये थोड़ा सा ये उखाड़ दिया है एक ड्रेसिना और एक मेरा रेड वाला सिंगोनिया में, पिंक वाला बल्कि, थोड़ी मिट्टी उट्टी गिरी है, इसका कुछ इतना टेंशन नहीं है, यह ज़्यादा कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ है तो वो लगा दूँगी। और बाकी आप लोगों को ठीक लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, नहीं लगेगा तो मत करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करना हो मत करिएगा, कोई बात नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। आइए दोस्तों, अब मैं ना छत पे आ गई, वही थोड़ा सा भी वो सब कूड़ा उड़ा समेटना भी था तो मैंने वही इतनी देर में जब तक वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना तब तक ये फूल देखिए खिले नहीं थे, ये वाले मॉसरोस, और अब देखिए इस टाइम पे खूब अच्छे तरीके से खिल गए हैं। चलिए मुझे लगा कि इस टाइम ब्लूम हो गए, आप लोगों को भी दिखा दूँ।